हम में से अधिकतर लोग आराम करने के लिए समुद्र तट पर जाना पसंद करते हैं। आमतौर पर हमने समुद्र तट के किनारे ज्यादातर सफेद रेत ही देखी है। कर्नाटक में एक समुद्र तट ऐसा है जहाँ की रेत काली होती है। उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित इस समुद्र तट को माजुली का तिलमटी तट कहा जाता है। पर्यटक चमचमाती काली रेत देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳಮತಿ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಳಮತಿ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳಿನ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಹುಸುಗಿನ ಬೀಚ್ ಅದು. ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. तिलमटी समुद्र तट के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि तिलमटी के बाई ओर माजुली समुद्र तट और दाई ओर पोलम बीच है, जो गोवा की सीमा पर है। इन दोनों समुद्र तट पर सफेद रेत है, लेकिन सिर्फ तिलमटी में काली रेत और काली चट्टाने हैं। इसका रंग ऐसा क्यों है, इसका अभी तक पता नहीं चला है। तिलमटी में जो लहर आती है वह विचित्र है। अन्य समुद्र तटों के विपरीत तिलमटी समुद्र तट और पहाड़ी पर पाए जाने वाली चट्टानों के बीच एक खो है। तिलमटी का नाम कोंकणी शब्द टिल्लू से लिया गया है, जिसका अर्थ तिल और मिट्टी है। तिलमटी समुद्र तट की खूबसूरती को देखने के लिए विभिन्न राज्यों के पर्यटक यहां पहुंचते हैं। छुट्टियों के दिनों में यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। समुद्री अध्ययन से जुड़े एक वैज्ञानिक का कहना है कि समुद्र की मजबूत लहरें चट्टानों को तोड़ देती हैं, जिनसे रेत को अपना काला रंग मिलता है। तिलमटी के तट पर सूर्यास्त का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। सामान्य क्रीम रंग की रेत देखने से अलग अनुभव तिलमटी तट पर मिलता है। रेत को अपने अनूठे रंग देने वाली बहुत सी चट्टानों पर सुस्ताते हुए ऐसा महसूस होगा कि इस छोटी पैदल यात्रा की कीमत वसूल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।